लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर है सांगी इंडस्ट्रीज के संदर्भ में। सांगी इंडस्ट्रीज ने गुजरात के कच्छ में एक नया सीमेंट प्लांट शुरू किया और इस पर करीब 50 करोड़ की लागत आई है। कंपनी की सीमेंट उत्पादन दोगुना करने की योजना है और नए प्लांट को शुरू करने की खबर पर जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको ये जानकारी दी थी और जी बिजनेस संवाददाता केतन जोशी ने कंपनी के डायरेक्टर आलोक सांघी से फ्यूचर प्लान समेत कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर खास बातचीत की। सांगी इंडस्ट्री के डायरेक्टर श्री आलोक सांगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि कंपनी की क्या है विस्तार योजना। सर हमें बताइए कि आज जो हमें एक नया ग्राइंडिंग मिल भी लगाया और वेस्ट हीटर सिस्टम भी उनका भी शिलान्यास किया, तो कुल कितना निवेश हमने किया इसके ऊपर और फ्यूचर प्लान क्या है कंपनी का? ग्राइंडिंग यूनिट में कंपनी ने 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इससे कैपेसिटी 1.2 मिलियन टन से इंक्रीज होती है। जो वेस्ट हीट रिकवरी का जो आज खात मुहूर्त किया है इसमें 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इसमें इससे 15 मेगावाट का पावर जनरेशन होगा। दिस विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन जो कि इंडिया में आज मौजूद है फॉर अ सिंगल प्लांट। एक तो 4.2 मिलियन मेट्रिक टन पहुंच जाएंगे पर एनम, लेकिन आगे क्या हम इससे भी अधिक हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं इन शॉर्ट फ्यूचर 3 to 5 ईयर्स? बिल्कुल, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर कंपनी एक और मेजर एक्सपेंशन की तरफ बढ़े और ये कैपेसिटी ऑफ 4.1 मिलियन टन को डबल करके 8.2 ले जाए। तो 4.1 एडिशनल कैपेसिटी की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसकी फंड रेजिंग अभी चल रही है और एंड ऑफ द ईयर तक हम लोग को उम्मीद है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। सर अगर हम आप लास्ट फिस्कल को देखें तो कंपनी ने कितना टर्नओवर किया और ये जो एडिशनल कैपेसिटी हम कर रहे हैं इससे आने वाले एंड ऑफ दिस फिस्कल कहाँ तक हम पहुँच जाएंगे इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर और पेच में? तो लास्ट ईयर जो कंपनी का टर्नओवर था वो रफली अराउंड 1250 करोड़ के रेंज में था और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो नया एक्सपेंशन जो आ रहा है 1 मिलियन टन का इससे अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ तक की अपनी इंक्रीज होना चाहिए। सो देयरफॉर वी आर लुकिंग एट अराउंड 1500 to 1550 करोड़ के बीच में नेक्स्ट ईयर का टर्नओवर की हम कोशिश किया जा रहे हैं। ये वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम से जो 15 मेगावाट हम जनरेट करने जा रहे हैं इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? अभी हम पावर में क्या सरप्लस है और ये जो एडिशन पावर होगा उसका हम क्या करेंगे फिर? आज भी कंपनी जो पावर प्लांट है इससे हम कुछ कैपेसिटी गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। ये जो 15 मेगावाट्स का जो पावर लगेगा इसकी खुद की जनरेशन less than 1 rupee पर यूनिट रहेगी। देयरफॉर हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि सांगी इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से खास बातचीत आपने सुनी कि इस बीच कमोडिटीज की ओपनिंग हो चुकी है।